हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर जिन भी लड़के लड़कियों ने एयरफोर्स अग्निवीर का यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयरफोर्स के जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड के आपकी एग्ज़ाम सिटी और डेट जो है वो जारी कर दी गई है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस सिटी में, यहाँ पर आपकी सिटी चेक कर सकते हैं कौन सी सिटी में है, और यहाँ पर आप अपनी डेट चेक कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप अपनी डेट भी चेक कर सकते हैं कि किस डेट को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सिटी में है और किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम हैं आज इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिंक से आ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट लॉगिन, आप देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो साथियों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। दोस्तों, जब ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों, जब आपने अपना फॉर्म भरा था तो वहाँ पर आपने क्या, आपका क्या यूज़र नेम था या फिर आपने कौन सी ईमेल आईडी लगाई थी वो यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। ये तीनों चीज़ें जब आप फिल कर दोगे तब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये तीन चीज़ें आपको फिल करनी है। लेकिन दोस्तों, कई बार यूज़र नेम जो ईमेल आईडी होती है वो आपको पता नहीं होती, तो यहाँ पर मैं आप सभी से ये कहूँगा, जो आपने फॉर्म भरा था उसका अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो उसमें लिखा हुआ होगा आपका यूज़र नेम या ईमेल आईडी जो भी लगाई है उसमें लिखी हुई होगी, और जो आपका पासवर्ड है, ये पासवर्ड वो बनाता है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, उसने आपका पासवर्ड बनाया होगा। अगर उसने आपको पासवर्ड बताया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर आप एक बार फॉर्म के ऊपर देख लीजिएगा, प्रिंट के ऊपर उसने अगर लिखा है या नहीं लिखा, और अगर नहीं लिखा तो दोस्तों आप या तो उससे पूछ के आए साइबर कैफ़े की शॉप पर जाकर, उसी से एडमिट वहाँ यहाँ पर आप निकलवा कर लाएँ, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है फॉरगेट पासवर्ड का। जी हाँ दोस्तों, आप फॉरगेट पासवर्ड से भी कर सकते हैं। जब आप इस पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या ऑप्शन आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ईमेल आईडी अपनी डालनी होगी। आपने जो भी ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक पासवर्ड जाएगा, एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जब आप यहाँ पर फिल करोगे उसके बाद आप नीचे की तरफ यहाँ पर ये कैप्चा यहाँ पर फिल करोगे, तो यहाँ पर ये सब फिल करने के बाद रीसेट माय पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो आपकी ईमेल आईडी पर जो भी पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, और आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी है वो डेट है आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मोबाइल से हो सकती है, ये भी मैं आपको मोबाइल में ही सब चीज़ें कराकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सभी को चीज़ें पता चल गई होंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों एयरफोर्स जो है उसका डायरेक्ट ये कहना है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 24 से 48 घंटे पहले ही आपके जारी होंगे। और आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम है वो आपके 13 तारीख से स्टार्ट हैं, तो 13 तारीख से स्टार्ट हैं, यानी कि आपके 13 अक्टूबर से स्टार्ट हैं। तो 13 अक्टूबर का मतलब है 11 तारीख से आपके जो एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस भी बच्चे का 13 को एग्ज़ाम है उसका 11 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और दोस्तों, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी अलग से पासवर्ड जनरेट करने की वीडियो बना दूंगा, एक फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो बनाई है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके एग्ज़ाम सिटी और डेट जारी हो चुके हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इससे जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।